नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया होंगे। क्या आपको आपके सैमसंग का जो स्मार्ट टीवी है उसके पिक्चर क्लैरिटी को बढ़ाना है, या फिर कुछ एक्सपर्ट सेटिंग्स के टर्म्स में आपको कंफ्यूजन है, जैसे कि गामा, टिंट, हाइट बैलेंस वगैरह? तो सब कुछ आज एक्सप्लेन करूंगा मैं, अनिश फ्रॉम द गैलेक्सी ऑफ सैमसंग यूजर्स, आज आपको इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखना। तो पहले तो हम देखते हैं कि पिक्चर की क्लैरिटी कैसे बढ़ाए। तो आपको उसमें होम बटन दबाना है, उसमें आपको सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स को प्रेस कर देना है। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखेगा, साइड में कीजिए, पिक्चर मोड को दबाइए एक बार और आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख जाएंगे, डायनामिक, स्टैंडर्ड, नेचुरल या मूवी। तो स्टैंडर्ड या फिर नेचुरल दोनों में से एक कोई भी डिफॉल्ट होते हैं इस टीवी के। और जो डायनामिक मोड है वो आप कब यूज करते हो? जब बाहर से बहुत ग्लेयर आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत ब्राइट है एनवायरमेंट आपका, तभी आप डायनामिक यूज करते हो। और ये आपको हाई ब्राइटनेस लेवल पे भी आराम से दिखाई देगा आपको टीवी पे। जो भी है स्टैंडर्ड और नेचुरल दोनों भी बेस्ट मोड से, आपको क्लैरिटी अच्छी रहेगी हमेशा। और ये जो दो है नॉर्मल मोड है अपने, और जो मूवी मोड है नाम से ही पता चलता है, मूवी मोड यानी मूवी में बहुत सारे डार्क सीन्स या फिर ऐसे सीन्स होते हैं जो कि अंधेरे में शूट किए जाते हैं, तो जो ब्लैक के लेवल्स होते हैं वो आपको ज्यादा क्लियरली दिखेंगे, मूवी देखने में ज्यादा आसान और मजेदार हो जाएगा। तो इसके लिए है ये मूवी मोड। तो अब एक्सपर्ट सेटिंग्स देखते हैं इसके क्या क्या है, बहुत सारे सब बताऊंगा। ब्राइटनेस मैंने मैक्स पे रख दिए, ब्राइटनेस यानी कि आपकी टीवी की जो ब्राइटनेस है वो मैक्स पे रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में। कॉन्ट्रास्ट यानी कि जो डार्क और फिर लाइट कलर्स है वो ऐसे उठ के दिखेंगे, स्ट्राइकिंगली एकदम क्लियर दिख जाएंगे आपको, तो ये भी आप मैक्स पर रख सकते हो। ये सारे डिफॉल्ट सेटिंग्स है, वैसे मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। और शार्पनेस की अब बात करें तो जो आपको माइनर डिटेल्स होते हैं या फिर क्लैरिटी पिक्चर की हाई एंड पे चली जाती है, और पिक्चर की शार्पनेस नाम से ही पता चलता है बढ़ जाता है। और कलर सैचुरेशन, कलर का ऑप्शन है कि कलर सैचुरेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हो, सब कुछ ये सारे ऑप्शन जो है पिक्चर क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही है। तो आप टिंट की बात करें तो जो आपका ग्रीन टू रेड कलर्स का रेशियो होता है वो ये एडजस्ट कर देता है, और जो सैचुरेशन होता है कलर सैचुरेशन उसको ये इंटेंसिफाई कर देता है ऑफ कोर्स क्लैरिटी के लिए। और आप इसमें ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ये जो पिक्चर सेटिंग्स है आपको सिर्फ इस टीवी के लिए चाहिए या फिर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड है उसके लिए भी चाहिए। नॉइज रिडक्शन यानी कि फ्लिकरिंग वगैरह अगर हो रहा होगा तो नहीं होगा। रात के समय अगर आप फोटो निकालते हो तो आप देखते हो कि उसमें ग्रेनी दिखाई देता है वो फोटो, तो वो टाइप ऑफ नॉइज आप समझ लीजिए, तो वैसा नहीं दिखेगा। इसके लिए नॉइज रिडक्शन आप ऑन रखिए हमेशा, ये एक अच्छा फीचर है। कॉन्ट्रास्ट एनहांसर, जब आप इसे ऑन कर देते हो और हाई पे रख देते हो तो जो आपका कलर कॉन्ट्रास्ट रहता है डार्क और लाइट के बीच में, ये ऑटोमेटिकली उसे बैलेंस कर देता है बेटर क्लैरिटी के लिए। फिल्म मोड की बात करें तो आपके जो पुराने वीडियोज होते हैं उनको ये स्मूथ कर देता है, फ्रेम रेट में फ्लक्चुएट कर देता है ये, जिससे कि आपको स्मूथली ट्रांजिशन हुआ हुआ दिखता है ये वीडियो। अब व्हाइट बैलेंस की बात करते हैं तो आपके डिस्प्ले पर जो भी व्हाइट कलर दिखेगा या फिर व्हाइट कलर का जो भी इमेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे वो आपको ज्यादा क्लियर और ब्राइट दिखाई देगा। और इसमें भी दो सेटिंग्स आते हैं, 2 पॉइंट और 10 पॉइंट सेटिंग्स। 2 पॉइंट सेटिंग्स में आप इसकी जो ल्यूमिनोसिटी के जो लेवल्स है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और 10 पॉइंट सेटिंग्स में ये 10 पॉइंट इंटरवल, रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह वो सब आप देख सकते हो। और जो गामा सेटिंग्स है इसके, उसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जितना हाई गामा का ये रहेगा लेवल उतना ज्यादा हायर और डार्कर कॉन्ट्रास्ट आपको दिखेगा आपका डिस्प्ले, यही है शॉर्ट में गामा का मतलब। और शेडो डिटेल मतलब जो भी आपके डिस्प्ले पर वीडियो पिक्चर जो भी दिखेगा आपको डार्क इमेजेस स्पेशली, तो उसके जो शैडोज होंगे डिटेलिंग उसकी ब्लैक डिटेल्स वगैरह, तो वो ज्यादा क्लियर और क्रिस्प दिखाई देगी। तो अब कलर स्पेस सेटिंग्स जो है उससे आपका जो कलर का स्पेक्ट्रम है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे इतना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नेटिव ही ऑप्शन है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और रिसेंट पिक्चर आपने सब कुछ सपोज ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया, या फिर कोई और ऑप्शन में चेंज कर दिए और आपको अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए बस, आपके जो भी सेटिंग्स आपने चेंज किए थे नॉर्मल रिसेट हो जाएंगे जैसे पहले थे वैसे। तो यही दिखानी एक्सपर्ट सेटिंग्स की। पिक्चर मोड तो मैंने आपको बता दिया, आपको एक समराइज कर देता हूँ इसका। पिक्चर मोड स्टैंडर्ड या जो नॉर्मल है उस पर आप रखिए, बहुत अच्छा होता है। डायनेमिक कब रखिएगा आप? जब बहुत ग्लेयर आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत ब्राइटनेस है आगे अंदर वगैरह,
तब, और मूवी मोड मूवी देखते समय। एक्सपर्ट सेटिंग्स एक्सप्लेन कर दिए मैंने। तो क्विक शाउट आउट टू ग्रीन हॉर्नेट, इनकी आइडिया थी इस वीडियो के पीछे। इनको चाहिए था एक वीडियो सैमसंग के टीवी के क्लैरिटी के बारे में, उसके एक्सपर्ट सेटिंग्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में। आपका भी कोई सजेशन हो या फिर कोई भी आइडिया हो, ऑलवेज वेलकम। प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना अगर आपको भी चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट मिलेगा और वो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी आइडिया। तो नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों। और फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके पास सैमसंग का एक स्मार्ट टीवी है और उनको पिक्चर क्लैरिटी के जो सेटिंग्स है उनमें थोड़ा कंफ्यूजन है। आप ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद कर सकते हो। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिख देना, आपके सारे डाउट सॉल्व जितना हो सके उतना मैं जरूर करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे मस्त मस्त वीडियो आपके लिए आ रहे हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी बहुत मस्त मस्त चीजें करते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।